पाइप है और ये पानी इनसे जो है कि गेहूँ में जा रहा है और पूरा देखिए यहाँ पे पानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं अपने खेत, जो गेहूं को सिंचाई करना है, पटवन करना है। तो फाइनली अभी हम खेत जा रहे हैं और वहां अपने खेत में जो है कि बोरिंग स्टार्ट करके सिंचाई करेंगे। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं खेत और वहां का कुछ दृश्य दिखाएंगे और वहां सिंचाई करते हैं और गेहूं में जो है कि पानी देना है। तो फाइनली हम ये अभी कुछ दूर पे हैं और अपने खेत जा रहे हैं और वहां से आते हैं और वहां का कुछ आपको भी दृश्य दिखाते हैं। और ये अपना बोरिंग है और अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और सिंचाई करना है। पहले इसमें पाइप बिछा लेते हैं गेहूँ में, यहाँ वहाँ पाइप बिछाना है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। फाइनल पानी भी यहाँ सूख चुका है, इसमें पानी देना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है कि यहाँ पहले लगा लेते हैं हमको इस गेहूँ को पटाना है। तो चलिए हम पाइप पहले बिछा लेते हैं, देखते हैं पाइप कहाँ पर है। यहाँ पर जो है कि पाइप बहुत सारे हैं और हम इसको निकालते हैं, अभी बिछाएंगे इसमें तब जाके पटवन करते हैं। ये अपना पाइप है और इसको हम अभी छापते हैं। तो अभी हम पाइप को बिछा चुके हैं और अब बोरिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए तो अब हम इस पाइप को ये यहाँ पे लगाएंगे इसमें और यह है अपना पाइप, तो चलिए इसमें लगाते हैं। तो फाइनली अभी हमारा बोरिंग स्टार्ट हो चुका है और जो कि पानी जो कि पाइप के सहारे जो है कि खेतों में जा रहा है। अब चलते हैं हम खेत की ओर और वहाँ पर देखते हैं कि पटवन कितना हुआ है और हम अभी इस खेतों को सिंचाई कर रहे हैं और इसमें पानी दे रहे हैं। तो चलिए हम खेत के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ से पाइप के सहारे पानी कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पाइप और इसकी से के सहारे जो है खेतों तक पानी पहुँच रहा है। और अभी आप देख सकते हैं हम लगाए हैं, बिछाने में काफ़ी मेहनत लगा और जो है कि अपना बोरिंग स्टार्ट करने में काफ़ी मेहनत लगा तब जाके स्टार्ट हुआ है गाइस। और अभी हम चल रहे हैं खेत में जहाँ कि पानी गिर रहा है, तो चलिए हम उसके अंदर आपको जाके दिखाते हैं कि गेहूं कितना पटा है, पानी वहां तक पहुंचा या ना पहुंचा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अपना पाइप है और ये पानी इनसे जो है कि गेहूं में जा रहा है और पूरा देखिए यहां पे पानी इधर का हो चुका है। और अभी हम इस खेत के सहारे पानी, इधर काफ़ी पानी लग चुका है और इतने बड़े बड़े गेहूं हैं कि पानी का पता नहीं चल रहा है गाइस कि पानी किधर गया। और अंदाज़ा बस हमको लगाना पड़ रहा है कि पानी किधर निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं पानी जो कि इधर निकल रहा है और हमको देखना पड़ेगा कि यह पानी कहां तक पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहां पे पानी है और देखते हैं कि क्यारी हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर हो चुकी है और जो है कि पानी इसमें आ रहा है और काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, पानी पता नहीं चल रहा है किधर है। तो गेहूं अभी इतना बड़ा बड़ा हो चुका है कि
पानी यहाँ छोड़ते हैं तो पता नहीं किधर निकलता है, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है सिंचाई के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि गेहूं इतना बड़ा बड़ा हो चुका है जो कि सिंचाई करने में काफ़ी मेहनत और पाइप को इधर से उधर कराने में काफ़ी मेहनत लगता है। गैस आप देख सकते हैं हमारे खेतों का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और चलते हैं देखते हैं अभी जो है कि पानी कहाँ तक आया हुआ है खेतों में। चलिए दोस्तों, इस गेहूं में अभी पानी कहाँ तक आया हुआ है अभी हमको अंदर जा के देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बीच वाले क्यारी में जो है कि डाले हैं और अभी देखते हैं कि उसमें पानी कहाँ तक पहुँचा है। फिलहाल इसमें तो अभी देखते हैं कि पानी नहीं पहुँचा है, और उस में जो बीच वाले में हमने खोला था तो शायद वहाँ पानी आया हो। चलिए देखते हैं। और तो अभी देखिए इसमें पानी आ चुका है, और यह पानी जो है कि देखते हैं यह क्यारी, तो इससे फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पानी आ चुका है इस क्यारी में। और अभी हम जाके देखते हैं दूसरे में जो है कि इसको खोलना है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम इस बीच वाले खेतों में हैं और देखिए यहाँ सिंचाई हो रही है और यहाँ पे पानी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पानी है खेतों में, और ये देखिए पानी कितना अच्छा लग रहा है। और अभी जो है कि खेतों का नज़ारा कुछ देखने में काफ़ी ही ज़बरदस्त लग रहा है, और आप देख सकते हैं खेतों का नज़ारा कैसा है। और हम अभी सिंचाई कर रहे हैं, पता नहीं कब तक सिंचाई होगी। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि अकेले सिंचाई करने में काफ़ी परेशानी हो रहा है, और अकेले जो है कि नहीं सफर रहा है, क्योंकि पाइप उठाना और दूसरे क्यारी में देना काफ़ी मशक्क़त भरी काम है, और अकेले सिंचाई लगता है नहीं हो पाएगी। तो जहाँ तक हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे, और देखते हैं घर से किसी को बुलाते हैं और तब फिर देखते हैं कोई आता है या नहीं। तब तक तो हम पानी सिंचाई कर रहे हैं इसमें, और देखिए गेहूं का नज़ारा अभी तक में एक क्यारी हुआ है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि वो पाइप उठा के इसमें डालना बड़ा, और आप देख सकते हैं गेहूँ भी कितना दब चुका है और पानी इसमें जा रही है अभी आप देख सकते हैं, और यहाँ से पाइप आया हुआ है और इसमें पानी जो है कि इसमें डाल चुके हैं। और देखिए कब तक पटेगा, यह काफ़ी देर हो चुका है गाइस, और इसमें जो है कि गेहूँ में पता नहीं चलता है पानी किधर किधर जा रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ जो है कि बोरिंग चल रहा है, अब पानी कैसे पाइप में निकल रहा है और गेहूं में जा रहा है, और गेहूं का नज़ारा आप सब यहाँ सब देख सकते हैं, और इसमें जो है कि अभी पानी लग रहा है। तो आप सब बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।